सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी NCERT की पुस्तक रिमझिम भाग दो से पाठ 7 पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को आज पाठ 7 में आए कठिन शब्दों के अर्थ बता रही हूँ। तो चलिए सभी लोग बोर्ड को ध्यान से देखिए। हमारा पहला शब्द है संदेश। इसका अर्थ होता है समाचार। संदेश का अर्थ क्या होता है? समाचार। मौसी, मौसी का अर्थ होता है माँ की बहन। मौसी का क्या अर्थ होता है? माँ की बहन। अगला शब्द है बैठक। बैठक का अर्थ होता है बैठने का कमरा या मेहमान कक्ष। हम लोग बोलते हैं ना, इस कमरे में मेहमान को बैठाओ, उसी कमरे को हम लोग बैठक कहते हैं। अचरज, अचरज का अर्थ होता है हैरानी। अचरज का क्या अर्थ होता है? हैरानी। अगला शब्द है ठिठक। ठिठक का अर्थ होता है रुक जाना। खाना, रखने की जगह। हम लोग बोलते हैं ना, क्या जो देखो यहाँ पर रखने की जगह या रखने की जगह। हम लोग बोलते हैं ना, देखो यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स बने हुए हैं। अंग्रेजी में कॉलम्स को हिंदी में खाना बोलते हैं, उसे हम लोग खाना का अर्थ बोलेंगे रखने की जगह। खाना खाने वाला खाना नहीं है ये। अगला शब्द है आंखें फाड़े देखना। का अर्थ होता है हैरानी से देखना। आंखें फाड़े देखना का अर्थ क्या होगा? हैरानी से देखना। अगला शब्द है साहस। साहस का अर्थ होता है हिम्मत। अगला शब्द है सुझाव। सुझाव का अर्थ होता है विचार। अगला शब्द है बस्ता। बस्ता का अर्थ होता है स्कूल का थैला। अगला शब्द है ख्याल। ख्याल का अर्थ होता है इरादा। अगला शब्द है चुनना। चुनना का अर्थ होता है छांटना। अगला शब्द है फुट्टा। फुट्टा का अर्थ होता है नापने के लिए काम आने वाला। तो ये शब्द थे हमारे पाठ में आने वाले कठिन शब्दों के अर्थ। तो आप लोग ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिएगा। मैं आप लोग को PDF भी भेज रही हूँ, तो PDF की सहायता से सारे कठिन शब्दों के अर्थ अपने हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा और याद कीजिएगा। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।